छोड़नी पड़ी तो बिजनेस करेंगे किंग खान, शुरू कर सकते हैं पठान केटरिंग और बाजीगर बेकरी, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 और मैं हूँ नजरीन सुल्ताना। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी मूवी पठान के प्रमोशंस में बिजी है। वहीं दूसरी ओर उनके गाने बेशरम रंग पर जमकर विवाद चल रहा है। इस गाने में दीपिका पादुकोण की भगवा बिकिनी के रंग पर खूब विवाद गरमाया हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद से लगातार इस पर कमेंट्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। इन सब के बीच शाहरुख खान फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे। यहां अभिनेता ने मजाकिया लहजे में अपना फ्यूचर प्लान बताया। शाहरुख खान हाल ही में कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान मौजूद थे। वो अपनी आने वाली मूवी पठान का प्रमोशंस कर रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले किंग खान ने बताया कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान खाना बनाना सीखा था और अब वो इटालियन फूड बनाने में माहिर हो चुके हैं। किंग खान ने मस्ती मजाक में ये भी बताया कि अगर उन्हें कभी एक्टिंग छोड़नी पड़ी तो वो किस तरह के बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अब पठान कैटरिंग, बाजीगर बेकरी और दिलवाले दुल्हनिया स्वीट शॉप रोल बना सकता हूँ। हम बता दें कि किंग खान की मूवी पठान 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इसमें जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगे। इसके अलावा किंग खान के पास डंकी मूवी है जिसमे आप तापसी पन्नू के साथ नजर आएंगे। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 28। हमारे चैनल न्यूज 28 को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।